समंदरी तूफान का 15 जून को केटी बंदर से टकराने का खदशा। ठट्टा, सजावल और बदीर में 400 जबकि कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। हवा 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की पेशगोई। सी व्यू रोड बंद कर दिया गया, दफा 144 का नफाज भी लगा दिया गया। चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। जो एक्सपेक्ट, जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि तूफान के दौरान क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल और आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश का खदशा है। 14 जून के बाद कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने की हिदायत। कराची में 17 खतरनाक इमारतों से इनखला का प्लान। इब्राहिम हैदी और एड़ी गोट से भी लोगों को निकालने का मंसूबा। 14 तारीख के बाद 14 और 15, ये दो दिन ज्यादा सीवियर है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं। कराची के अंदर समंदरी जो इलाके इब्राहिम हैदरी और रेड़ी, इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड खुदे हुए हैं अभी, उनको भी मैं क्लिप्टन कंफोर्मेंट और डीएचए से भी हम बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि लोगों से उन इलाकों की दरख्वास्त, तो घरों से ना निकले। सिंध हुकूमत के हंगामी इकदाम, चीफ सेक्रेटरी ने कराची और हैदराबाद के नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत। बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख, अस्पतालों में हाई अलर्ट। समंदरी तूफान से पहले कराची में शदीद गर्मी, दर्जे हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया। कल भी शिद्दत कम ना होने का इम्कान। हाफिज साहब ने ये टास्क दिया हुआ है शायद हमें कि हम उनको 193 नंबर पूरा करके, आपको हक है कि आप अपना, आपको मेयर बनाने के लिए उस मुल्क दुश्मन इमरान खान की चौखट में जाके अपना माथा लगा के आओ। तो क्या पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट को, पीपुल्स पार्टी को ये हक नहीं है कि हम जाकर कारकुनों को, जो मुंतसिब अरकान है, उसे कहें कि हमारे उम्मीदवार को वोट करो? इमरान की किसी आज सुन को ही नहीं रहा है। ये कहता है कि पीपुल्स पार्टी वालों का नहीं, इमरान ने कह दिया है 63 वोट मेरे, मानो के 63 वोट मेरे और मुझे ढलवा के दो 63 वोट। मुल्क दुश्मन से मिलने का तंज, पीटीआई अरकान से मिलकर मेयर कराची के लिए वोट देने की दरख्वास्त की। सईद गनी ने बता दिया, हाफिज नईम कराची में पैदा नहीं हुए। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चक्कर चलाने का मशवरा, इलेक्शन के दिन सेहत की दुआ। इमरान के नाम से वोट मांगे वो ठेका ले, कुछ और चक्कर चलाओ। इमरान खान में पहले कहता था नौसत है, ये जिसके साथ लगती है उसको बर्बाद करती है। तो इमरान हाफिज के साथ लगा है तो हाफिज को भी, हाफिज साहब की जो बौखलाहट है, जो परेशानी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरा ख्याल है कि जब ये रिजल्ट आ रहा हो, जब ये इलेक्शन हो रहा हो, तो हमें NIGBT की टीम को जाना मरना चाहिए। पीटीआई के 40 अरकान मेयर के लिए हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे, मुंतखब यूसी चेयरमैन का दावा। कहते हैं इलेक्शन के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे और हैं, लेकिन जमात इस्लामी की हिमायत मुमकिन नहीं। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी, मुतवक्के वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जरूरत का एक तिहाई खाम तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे तो कीमतें में बड़ा फर्क आएगा, इसका असर लोगों की जेब तक पहुंचेगा। सानहा 9 मई में मुलविश शहर पसंदों के खिलाफ केसेस, मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर। मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, ख्वाजा आसिफ का असेंबली में इजहार ख्याल। मुलजिमान को सजा देना अदलिया का काम, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं कि अपने दायरे की इसलाह कर रहे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं। डकैतों ने चाय के होटल और रेस्टोरेंट्स को हदफ बना लिया। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ए में अकेले लुटेरे की लूटमार, सीसीटीवी फुटेज के 21 न्यूज पर। कोरंगी सऊदाबाद में हार्डवेयर की दुकान में वारदात।
हरीम शाह वीडियो लीक केस, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर टिकटॉकर संदल खटक गिरफ्तार। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा नुमाइश, एयर कंडीशन के शोबे से वाबस्ता आलमी कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जुमेरात 29 या जुम्मा 30 जून को होने का इम्कान बैनुल अक़वामी फलकियाती मरकज ने पेशगोई कर दी। That is one thing, but you said you'd sound. You just don't decide you want to have a normal life. You're gonna regret this. The game has changed. Oh, wow. You ready for round two? Are you ready? और हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर मूवी टिल दैट डू अस पार्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अनकरीब नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज में मैं हूँ हुबा मुकीद और मैं हूँ मोहम्मद अकबर तारिक।